बकाया जिला पूर्वी सिंहभूम फुटका प्रखंड के अंतर्गत डमजुड़ी पंचायत के डमजुड़ी गांव में नोनी गोपाल दास के घर से लटाखल नाला तक सबसे नजदीक टाटा मोटर अस्पताल जमशेदपुर शहर एवं मुसाबुनी कॉलेज एवं इन रेलवे स्टेशन बनबेड़ा बांधडी जाने का मुख्य सड़क है, अधूरा ही रह गया। इस रास्ते से आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और आने जाने में दिक्कत होता है कि नहीं? ये वाला रास्ते से हम लोग असनमनी कॉलेज ढोड़का साहेब बोनगोड़ा इधर हम लोग जाते हैं, बाबनीडीह खैरबनी ये वाला रास्ता से जाते हैं। और बरसात के दिन में हम लोग का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बरसात के दिन में ये वाला रास्ता में बहुत कीचड़ हो जाता है और पानी जम जाता है। ये जो सामने में जो आपको दिख रहा है अभी भी पानी जो जमा है, इसमें पानी बहुत काफ़ी जमा होता है। इसीलिए हम लोग ये वाला मुर्गा गुट्टू और जो आपको होता है राजदोहा होते ही हम लोग बोनगोड़ा वाला रास्ता से ही हम लोग उधर से आना जाना करते हैं, जो कि 10-15 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। और उसी से घूम के हम लोग आने के लिए हमको आपको इधर आना पड़ता है, खैरबनी बाबनीडीह भी आना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है बरसात के दिन में हम लोग को आने जाने। आपको इस रास्ते में आना जाना में आपको दिक्कत होता है कि नहीं? बहुत दिक्कत होता है। ये जमशेदपुर प्रखंड पड़ता है हम लोग के, नदी पार करने से जमशेदपुर प्रखंड हम लोग का महाविद्यालय असनमनी है। आपका आने जाने में ये वाला मेन रोड है, आगे थोड़ा जाके खैरबनी मेन रोड मिल जाता है हम लोग का। बहुत सुविधा होगा इधर से जाने से। अब बरसात के दिन में इतना पानी भरता है क्या बोलेंगे, ये वाला मतलब एक तो नदी बन जाता है, बहुत तकलीफ होता है यहाँ। आप लोग का कहीं भी जाने से यही वाला रास्ता पड़ेगा ना? हाँ, हम लोग का जमशेदपुर टच करता है, वाला शहर टच करता है। अगर यहाँ बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो किधर से जाते हैं? हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग का इस ग्राम को आने के लिए। अगर बरसात के दिन में हम लोग को इस गाँव में आने पड़ता है तो 5 किलोमीटर घूम के आने पड़ता है। अगर हम लोग को कहीं जाने का रहता है तो 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। बरसात के दिन में तो इसमें गाड़ी पार होना भी मुश्किल है, पैदल जाना भी मुश्किल है। कोई पेशेंट को ले जाना के लिए होता है तो उधर से 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर जादूगढ़ जाना रहेगा तो उधर से घूम के जाना पड़ता है। गोविंदपुर होकर आने से भी हम लोग का इधर लगता है टाइम, इसमें बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। मैंने वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे समुदाय के समस्या है। मैं और मेरे समुदाय के साथ विचार विमर्श किया कि PCC सड़क निर्माण पूरा करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया जाए, ताकि 3 महीने के अंदर PCC सड़क का निर्माण चालू कर पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को आने जाने में असुविधा न हो। अगर 3 महीने के बाद भी PCC सड़क निर्माण कार्य को पूरा नहीं होता है तो फिर समुदाय के साथ दोबारा प्रखंड कार्यालय जाना होगा। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी सस्मृता कुमारी 9771845168 पर फोन करके दबाव डालें कि जल्द से जल्द सड़क पूरा किया जाए। मैं तुलसी हेमराम, वीडियो वॉलंटियर, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड, इंडिया अनहट के लिए।